इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों एक बहुत गरीब आदमी था और वो दिन रात यही सोचता रहता था कि कैसे भी करके मेरी गरीबी अगर हट जाए तो मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो वो एक दिन नदी किनारे जा रहा था तो उसको किसी आदमी ने बताया कि नदी किनारे एक कुटिया है जहाँ पे एक सिद्ध महात्मा साधु जी रहते हैं, तुम उसके पास जाओ, जो भी तुम अगर उनको बोलोगे तो हो सकता है कि वो तुम्हारे लिए कुछ करें। तो उसने सोचा कि अगर मैं साधु जी के पास जाकर अपने दुखों के बारे में बताऊंगा तो हो सकता है कि मुझे कुछ ऐसा चीज दे दे यार, ऐसा कुछ दे दे जिससे मेरे दुख दूर हो जाएंगे। तो वो उस नदी के किनारे चलता हुआ कुटिया पे पहुंच जाता है और साधु जी के आश्रम के बाहर खड़े होकर उनका इंतजार करता है। जैसे ही साधु उस आश्रम से निकलते हैं और उनको देखते हैं तो उनको अपने पास बुलाते हैं और उनसे आने का कारण पूछते हैं। तो दोस्तों वो बताता है कि वो बहुत ज्यादा दुखी है और बहुत ज्यादा गरीब है तो और वो अपने परिवार का भी पालन पोषण नहीं कर पा रहा है। तो साधु महाराज उसकी बात को समझकर एक 3 पोटली निकालते हैं जिसमें एक पोटली पर लिखा होता है धन और एक पोटली पर लिखा होता है अफसर और एक पोटली पर लिखा होता है मेहनत। और तीनों पोटली को निकाल के उसके सामने रख देते हैं और कहते हैं कि तुम इसमें से कोई एक पोटली ले सकते हो। और तीनों पोटली का लेने का क्या कारण है ये लेने के बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा। तो वो बड़े ही असमंजस की स्थिति में पड़ जाता है, बड़ी परेशान हो जाता है कि वो कौन सी पोटली ले। तो उसकी पोटली धन पर जाती है तो सोचता है कि अगर मैं धन वाली पोटली ले लूंगा तो मेरे बुरे दिन चले जाएंगे, मेरे पास पैसा आएगा तो फिर मुझे किसी अफसर की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, और जब मेरे पास सब धन रहेगा और सब कुछ मेरे पास अच्छी चीजें रहेंगी तो मुझे मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसने वो धन वाली पोटली ले लेता है। जब वो गरीब आदमी धन की पोटली को चुन लेता है तो साधु महाराज उसको बताते हैं क्योंकि तुम खुद को गरीब मानते हो इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास अगर धन आ जाएगा तो तुम्हारी गरीबी चली जाएगी। बहुत से लोगों का यूं ही मानना होता है कि अगर वो उनको बैठे बैठाए धन मिल जाए तो उनका जीवन बहुत सुख हो जाता है, जबकि ये बिल्कुल उल्टा होता है। ये ऐसे आया हुआ धन हाथ की मेल की तरह होता है, पल में मिलता है तो ऐसे पल में चला भी जाता है क्योंकि उस धन को आपने कमाया नहीं, तो चला भी गया तो वो आपका फिर वापस लौट के नहीं आता है। और यदि तुम अगर अफसर चुनते तो बहुत से लोग अफसर के चक्कर में अपनी जिंदगी को निकाल देते हैं। वो सोचते हैं कि अभी मेरा बुरा वक्त चल रहा है, मैं अच्छे वक्त के लिए वेट करता हूँ और अच्छा वक्त दुनिया में कभी नहीं आता दोस्तों। तो इसी चक्कर में बहुत से लोग अपने अनमोल समय को नष्ट कर देते हैं एक अच्छे वक्त के चक्कर में। और तीसरा, अगर तुम मेहनत को चुनते तो मेहनत में अगर बुरे समय में भी की जाने वाली मेहनत बुरे समय को अच्छे समय में बदल सकती है और वही चीज आपको धन भी दिला सकती है। अगर तुम मेहनत चुनते तो बुरे समय को भी अच्छे समय में बदल देते और निश्चय ही तुम्हारे पास में धन का काफी संचार होता। तो ये बात सुनकर वो गरीब आदमी समझ गया, वो साधु महाराज के पैरों में जाके गिर गया और उन्होंने उसे माफी मांगी और उन्होंने बोला कि महाराज मुझे मेहनत की पोटली चाहिए, मैं अब मेहनत करूंगा, मैं समझ गया कि मैं किस तरह का जीवन यापन कर रहा था। और घर जाने के बाद अपने जो पुराने बंजर पड़े हुए खेतों में उसने खेतीबाड़ी की और उसके नई नई फसलें और उसने फसलें उगाई और उससे काफी पैसा उसको कमाया और काफी उसने अपनी गरीबी को दूर ही नहीं किया बल्कि ये भी समझा, उसको एक ये भी बुद्धि आई कि मेहनत से ही कमाया गया पैसा ही जीवन में काम में आता है, बाकी पैसा तो मिट्टी के मूल की तरह होता है, कब चला जाता है पता ही नहीं चलता है। तो आई होप दोस्तों इस कहानी से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कोई भी चीज अगर हम बात करें मोबाइल रिपेयरिंग में या किसी भी चीज में कुछ भी ऐसा ट्रिक नहीं है, सीख हर चीज करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप वो चीज कभी भी नहीं सीख पाएंगे। तो आई होप ये आप सब बात समझ गए हो और इस चीज को अपनी जिंदगी में जरूर अमल कीजिए। अगर वो 3 पोटली अगर आपको मिली तो आप इसमें से कौन सी चुनेंगे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो थैंक यू वेरी मच, लाइक जरूर कर दीजिएगा।